अस्सलाम वालेकुम, दो नॉलेज में खुश आमदीद। सात अनमोल बातें। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको सात बातों का हुक्म दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म तो ये दिया कि मैं फ़ुकरा और मसाकिन से मोहब्बत करूँ और इनसे करीब रहूँ, नंबर दो। दूसरा हुक्म ये दिया कि मैं इस शख्स की तरफ़ देखूं जो दुनियावी एतबार से मुझसे कमतर दर्जा का है, और उस शख्स की तरफ ना देखूं जो जाओ माल और मनसब में मुझसे बाला तर है, नंबर तीन। तीसरा हुक्म ये दिया कि मैं कराबतदारों से नातेदारी को कायम रखूं, अगरचा कोई कराबतदार नातेदारी को मुनक़ता करे, नंबर चार। चौथा हुक्म ये दिया कि मैं किसी शख्स से कोई चीज़ ना मांगूँ, नंबर पाँच। पांचवा हुक्म ये दिया कि मैं हर साल में हक बात कहूँ, अगरचा वो सुनने वाले को तलख मालूम हो, नंबर छः। छठा हुक्म ये दिया कि मैं खुदा के दीन के मामला में अमर बिलमारूफ़ और नहीं अलमुनकर के सिलसिला में मलामत करने वाला की मलामत से ना डरूँ, नंबर सात। सातवां हुक्म ये दिया कि मैं कसरत के साथ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहा करूँ, क्योंकि ये कलमात इस खजाना में से हैं जो इर्शे इलाही के नीचे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जजाकल्ला।